जय बोलो सिरिया दे मात की जय। आज दिनांक 8 सितंबर 2019 रविवार मारू प्रजापत समाज छात्रावास में प्रजापति युवा शक्ति संगठन के बाड़मेर सदस्यों द्वारा मीटिंग का आयोजन हम कर रहे हैं। विराजोड़ा समाज रा युवा साथी और हमारे गुरुजनों के अहदेदार भरत जी सर और साहब बैठा है नौ दीपाराम जी बुजुर्ग हैं, उनका सानिध्य हम लेते हुए इस मीटिंग का आगाज कर रहे हैं। मीटिंग जिस कारण रखी वो कारण यहाँ बैठे उनको सबको भली भांति ध्यान है और आगे भी ध्यान करवाना है समाज के नाते हमको समाज। मीटिंग का उद्देश्य 13 अक्टूबर नागौर में होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह ऑल प्रजा समाज का और नारायण सेवा शिक्षा संस्थान का मैनिफेस्टो जारी होगा। समाज में पीड़ित शोषित वर्ग की प्रजापति युवा संगठन शक्ति अब वर्तमान में और गए 4-5 साल हम क्या किया क्या न किया उसका उद्देश्य वहाँ पर वो संगठन रखेगा अपना। और समाज की वर्तमान में पराकाष्ठा स्थिति कहाँ है कहाँ खड़ा है शिक्षा जो भी लेवल है उसके बारे में चर्चा वहाँ होगी। नारायण जी 31 अगस्त को शाम को बाड़मेर आए, हम सब युवा साथियों को मेरा थोड़ा व्हाट्सएप फेसबुक से परिचित था और एक दो बार बालोतरा संभाग में मीटिंग थी वहाँ मेरा ससुराल है तो वहाँ मैं उनसे परिचित हुआ तो उन्होंने बोला बाड़मेर बिल्कुल युवा वर्ग से बिल्कुल मेरी तरफ से और संगठन से बिल्कुल लूज है, आप उसको उठाओ और जोड़ो। मैं आपको देखकर जाऊंगा, देखकर आपसे कुछ नहीं जाऊंगा, सिर्फ बाड़मेर जिला स्तर पर आप संगठन को मजबूत करें और युवाओं बुजुर्गों का सानिध्य लेते हुए उसको ना हमारा कोई ऐसा उद्देश्य है कि भी कोई हुड़दंग करें कोई सड़कों पर हुड़दंग करें प्रशासन के खिलाफ हो जाए राजनीति के खिलाफ हो जाए, सिर्फ हमारे समाज को हम कैसे ऊंचा उठाएं उसके बारे में उन्होंने अपनी बात रखी। 31 तारीख को शाम को चक दौड़कर मांगलाल जी का रिटायरमेंट फंक्शन था, उन्होंने वहाँ गए अपना टाइम दिया वहाँ बात रखी, फिर शाम को मंदिर आ गए सिरियादी इंदिरा कॉलोनी वहाँ अपनी बात रखी और सुबह बड़ी 45 आदमियों की लगभग 50 की तकरीबन वहाँ मीटिंग हुई और मीटिंग में ये बात रखी कि 13 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा बाड़मेर संभाग से पश्चिमी क्षेत्र से वहाँ हम जाएँ और उस मीटिंग में सम्मिलित होए और उन भागीदारी बाड़मेर जिला निभाए रहा काम कि आप अपना जिला स्तर पर काम देखो। मेरे को कुछ भी कर ना किसी का पद है ना कोई अहदेदार है ना कोई सचिव पद कुछ भी उस संगठन से जुड़ा, सिर्फ हम सब सदस्य बैठे सदस्य के नाते उन्होंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रचार करना, तो धनराज जी और सब लोगों ने बोला हम साहब मेहनत करेंगे। तो आज मीटिंग रखी, जितनी सूचना थी वो सब आए, सबका धन्यवाद, अपनी अपनी राय रखे, अपना अपना टाइम दिया उसके लिए हम सब आभारी हैं, उद्देश्य आपको बता दिया है। अब अपना अपना परिचय खड़े होकर कर दें, मैं मेरा परिचय ऋणसाराम प्रजापत, मेरे पिताजी का नाम चिम्माराम जी, गोत्र वीरांगना मावर प्रजापत हूँ और नान जी का उद्देश्य तो कुमार कहने में गर्व महसूस करूँगा। आप सब आए हो अपना अपना परिचय करो, वर्तमान में आप मारू प्रजापत समाज के नज़दीक यहाँ बैठा हूँ मैं, मेरा घर इधर ही है JCB शोरूम के ऊँचे ऊपर की साइड, अपना अपना परिचय करें और भरत जी सर अपना उद्बोधन देकर हम हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उद्देश्य आपको साफ सुथरा है, सबको ध्यान है, अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर इस रजिस्टर में लिख दें ताकि आपको मैसेज अपने अपने घर में नागौर चलने वाले आदमी अपने पेरेंट्स की इजाज़त लेकर ही आगे की कार्रवाई करें, पेरेंट्स सहमति दें पेरेंट्स स्वीकार करें ये उद्देश्य बोला हाँ सही सलाम। पेरेंट्स को गाइडेंस आप करोगे ना तो कोई हम हुड़दंग करेंगे ना रोड पे ना हमारा कोई नुकसान ना शिक्षा का नुकसान ना रोजगार का, हम कर्मचारी हैं फिर भी संगठन के लिए हम खड़े हो गए क्योंकि ये जो संगठन 13 अक्टूबर को काम कर रहा है वो किसी हमारा नुकसान का काम नहीं, सिर्फ हमारे प्रजापत समाज के उत्थान के लिए। नारायण जी का उद्देश्य है युवा जुड़े, युवा जुड़ेगा तो आने वाले 20 साल के अंदर जब हम 50 के होंगे तब हम इनको कहाँ तक ले जाए, तब युवाओं के तरफ पूरा ध्यान है उनका, पढ़ाई करने वाले पढ़ाई कर, सोशल मीडिया से जो जुड़े हो मेरा एक रिक्वेस्ट है सोशल मीडिया जरूरत के बिना यूज मत करो,
आपका जितना टाइम है उतना ही यूज करो, समाज की न्यूज, परिवार की न्यूज। मैं ऐसे ऐसे उनकी स्थिति अपडेट पे देखता हूँ, किसी का कोई गाने का सेट कर रखा, वो हमारा चरित्र निर्माण है। मेरी स्थिति पर मैं कैसे गाने को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो भैया जी मेरे को पहचान लग गई रणसाराम नियत से कैसा आदमी, ये मेरा चरित्र निर्माण है फेसबुक आजकल और व्हाट्सएप। इतनी बात करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आगे की कार्रवाई मैं भरत जी के उद्बोधन से हमारी इस मीटिंग का मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ। बाकी इस रजिस्टर में अपना अपना नाम लिखे और मोबाइल नंबर लिखे, यही है। और दूसरी बात मैं थोड़ी देर बाद में और कर दूंगा जो अपना है।